नमस्कार जय भीम साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता वार। जैसा कि देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है, मेरी तरफ से और जनता आवाज की पूरी टीम की तरफ से भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामना। साथियों, देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तमाम खबरें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। जिस प्रकार से जालौर में घटना हुई, उस घटना को लेकर भी बहुजन समाज में पूरे देश भर में आक्रोश है, ये खबर भी हम विस्तार से आपको बताएंगे और पहले भी खबर की है, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती ने प्रेस नोट जारी करके मोदी सरकार पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही इस प्रेस नोट के द्वारा देश भर के नागरिकों के लिए बहन कुमारी मायावती ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रेस नोट के माध्यम से मोदी सरकार को बहुत ही महीन तरीके से घेरा है। जो लोग कहते थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी के खिलाफ लिखती बोलती नहीं है, उन्होंने बीजेपी पर इशारों में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि जो लोग वादा खिलाफी करते हैं वो तमाम तरह के आयोजन करते हैं। देश में 125 करोड़ की आबादी है, तो निश्चित तौर पर भारत में जो भी सरकारें रही हैं उनके पास जिम्मेदारी बड़ी होनी चाहिए, उन जिम्मेदारियों से मुकरना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए तमाम तरह के हथकंडे ये सरकारें चला रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा प्रेस नोट में, हम आपको बारी बारी से पढ़ के सुना देते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने देश व दुनिया भर में रहने वाले समस्त भारतीयों को देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत सरकार की यहाँ के करोड़ों गरीबों के जनहित, जन कल्याण, सुख शांति, समृद्धि व सुरक्षा आदि के प्रति संवैधानिक जिम्मेदारी भी उतनी ही विशाल और विशेष है, जिस पर खरा व ईमानदार उतरने के अपने परम कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों से कोई भी सरकार किसी भी बहाने से मुक्त नहीं पा सकती है, तथा साथ ही देशवासियों को भी इसके प्रति अपनी संवैधानिक चिंता, प्रयास एवं योगदान को हर हाल में जरूर जारी रखना चाहिए, क्योंकि इसी में ही देश और देशवासियों की इज्जत, शौहरत व बुलंदी निहित है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से तमाम बयान आते हैं मीडिया में कि बेरोजगारी भुखमरी का कारण ये है कि देश की जनसंख्या ज़्यादा है, इस पर बात करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है अपने इस प्रेस विज्ञप्ति में कि हमारा देश बड़ा है, देश की जनसंख्या ज़्यादा है, तो इस देश की सरकार की जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। प्रेस विज्ञप्ति में मायावती जी ने जो कहा है कि सरकार को इन जिम्मेदारियों से बचना नहीं चाहिए और बच नहीं सकती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है ये बयान। वहीं इस प्रेस नोट में आगे लिखा है कि केंद्र में चाहे कोई भी सरकार हो अथवा किसी भी पार्टी की सरकार हो या पहले रही हो, सभी अपनी कमियों पर पर्दा डालने तथा वादा खिलाफी आदि पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रहती हैं, और यही सब कुछ अब वर्तमान सरकार भी कर रही है। साथियों, देख सकते हो बसपा सुप्रीमो मायावती का सीधा सीधा निशाना जो केंद्र सरकार द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं तमाम तरह के जनता को असली मुद्दों से भटकाने के लिए, उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा है। वहीं मायावती जी ने इस प्रेस नोट में आगे लिखा है कि देश की स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ अपार खुशी का मौका जरूर है, किंतु इसके जश्न में चार चांद लग जाते अगर देश की जनता यहां बढ़ती हुई महंगाई, जानलेवा गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा व स्वास्थ्य आदि बुनियादी जरूरतों की चिंताओं से मुक्त होकर इन सब से हर दिन त्रस्त नहीं होती तथा भारत अच्छा खाता पीता मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों का देश होता। सरकारें जश्न जरूर मनाए, किंतु वास्तव में ईमानदारी से आकलन करने का यही बेहतर मौका है कि इन वर्षों के दौरान देश ने लोगों की संवैधानिक, वास्तविक व बुनियादी जरूरतों के क्षेत्र में कितनी सार्थक व उल्लेखनीय उन्नति की है, और साथ ही आगे के लिए निजी स्वार्थ व राजनीतिक संकीर्णता आदि से ऊपर उठकर काम करने का प्रण
क्या इनमें दिखता भी है या सिर्फ इनकी बातें ही दिखती हैं। तो साथ ही आप देख सकते हैं, आज से लगभग 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक देश के हर गरीब नागरिक को उसका पक्का मकान मिलेगा। शायद ऐसे ही मुद्दों पर जो सरकार वादे करके पीछे हट जाती है, इनको घेरते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रेस नोट में जारी किया है कि हमारी आज़ादी के पर्व में 4 चांद लग जाते अगर देश की सरकारें जो वादे करती हैं, जो जमीनी स्तर के मुद्दों को सरकार सुलझाने में कामयाब होती। वहीं इस प्रेस नोट में और भी आगे कुछ क्या लिखा है ये भी हम जान लेते हैं। इसलिए आज 75वें वर्षगांठ के मौके पर यह मौका है कि केवल खर्चीले प्रचार आदि से नहीं बल्कि प्रभावी देशभक्ति के लिए जातिवाद व सांप्रदायिकता के जहर, घिनौनी राजनीति एवं द्वेष, भ्रष्टाचार, संकीर्णता व निजी स्वार्थ आदि को त्याग कर सही नियत व सही नीति से काम करने का प्रण लें और संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देशभक्ति की महान सोच एवं समझ के मुताबिक प्रथम भी भारतीय बने और अंतिम भी बने, जिसमें किसी भी मिलावट, बनावट व दिखावट आदि की गुंजाइश ही नहीं हो, तब देश इससे खुद हर आगे बढ़ता ही जाएगा। तो साथियों, ये था बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट और इस प्रेस नोट के बहुत कुछ मायने हैं। इस प्रेस नोट में बातों बातों में बिना किसी पार्टी और सरकार का नाम लिए सीधा इशारा मोदी सरकार पर किया है कि जो लोग वादे करके मुकर जाते हैं वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। कहीं ना कहीं जो देश में जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो बीजेपी सरकार, खास करके मोदी सरकार तमाम तरह के अभियान चलाती है, उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने वार किया है और सीधा सा कहना है कि इस देश की आज़ादी से हमें खुशी है, लेकिन इस खुशी में 4 चांद तब लगते जब महंगाई, बेरोजगारी और दलित उत्पीड़न की घटनाएं सामने ना आती। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इस प्रेस नोट और इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। नमस्कार।